हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रितु राव और आप सभी का स्वागत है रितु राव माय रेसिपीज़ की किचन में। तो आज मैं बना रही हूँ दम आलू। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो उसके नीचे का सब्सक्राइब का बटन प्रेस करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आपको मेरी वीडियोज़ देखने मिले। तो बनाने के लिए शुरुआत करते हैं दम आलू। तो हमने जो इन्ग्रीडियंट्स लिए हैं वो है आलू। तो मैंने यहाँ 250 ग्राम आलू लिया है। तो 250 ग्राम आलू मैंने बॉईल कर लिया है और उसे छिलके निकाल लिए हैं। ये मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया था और बॉईल करते वक्त मैं नमक डालना बिल्कुल ना भूलें। साथ में लिया है प्याज, तो मैंने 2 प्याज ली हैं और उसे स्लाइस कर लिए हैं। साथ में लिए हैं कुछ गर्म मसाले, इसमें लिया है मैंने जावित्री, इलायची, लौंग और दालचीनी। यह है टोमेटो प्यूरी, तो हमने टोमेटो प्यूरी को भी बनाया है। तो टोमेटो प्यूरी बनाते वक्त में मैंने उसे बॉईल कर लिया था, उसके बाद पीस लिया। साथ में लिया है दही, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और यह है जीरा पाउडर। ये भुना जीरा पाउडर नहीं, नॉर्मल जीरा पाउडर ही है। और साथ में लिया है धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक, यह है जीरा, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी और लिए है कुछ काजू। तो बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। तो हमने एक पैन ले लिया है, उसे गर्म करने के लिए रख दिया और उसमें डाल दिया है 1/2 चम्मच के करीब तेल। और जब भी आप तेल डालें तो फ्लेम को कम ही रखना है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम पे नहीं गर्म करना है। और अब इसमें डाल देंगे खड़े गर्म मसाले। तो हमने जो जावित्री, लौंग, इलायची और दालचीनी ली हैं उसे डाल दिया है इसमें। साथ में डाल देंगे जीरा और जैसे जीरा तड़कने लग जाएगा इसमें डाल देंगे हम काजू और इसे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। जब ये थोड़ा सा सुनहरा सा हो जाएगा इसमें डाल देंगे हम प्याज। तो पहले काजू को थोड़ा सुनहरा होने देते हैं। और जब भी मसाले आप रोस्ट कर रहे होते हैं फ्लेम को मीडियम फ्लेम पे रखें, तो काजू थोड़े से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसमें डाल दिया हमने प्याज और प्याज को भी तब तक भून लेना है जब तक ये थोड़े से गोल्डन ब्राउन ना हो जाए। ये मसाला हमारे ग्रेवी के काम आएगा, इसलिए इसे पहले गोल्डन ब्राउन होने देते हैं। तो आप देख सकते हैं ये अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। इसे आप प्लेट में निकाल लेंगे और ठंडा कर लेंगे, उसके बाद ही इसे पीस लेना है। कभी भी गर्म मसाला नहीं पीसना है। तो हमने सेम पैन यूज़ किया है, इसमें वापस डाल दिया है 1/2 चम्मच तेल। और हमने जो आलू लिए हैं उसे फोक की मदद से हम छेद कर लेंगे। छेद करने के पीछे भी एक रीज़न है, जब हम इसे बॉईल करते हैं तो ये नॉर्मल रहता है, बट जब इसे ग्रेवी में डालेंगे तो ग्रेवी इसके अंदर तक की जाएगी, इसलिए हमने फोक से इसमें छेद कर लिए हैं। और जब इसे रोस्ट भी करेंगे तो इसे हम गोल्डन ब्राउन होने तक के रोस्ट कर लेना है। तो हमने सारे आलू को फोक से छेद कर लिए हैं और अब इसे थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक के सेक लेंगे। और सेकते वक्त भी हमने मीडियम फ्लेम ही रखी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं रखी है। और ख़ास करके जब नॉनस्टिक आप यूज़ करते हैं तो हाई फ्लेम नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है। तो ये हल्के से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, अब इसमें डाल देंगे हम थोड़े से मसाले। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें हल्दी पाउडर, साथ में डाल देंगे थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने जो भी मसाले इसमें डाले हैं इसमें अच्छे से उसका कोट आ जाएगा और जैसे ही अच्छे से रोस्ट हो जाएंगे हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। तो ये अच्छे से रोस्ट हो चुके हैं, इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। और हमने सेम पैन यूज़ किया है ग्रेवी बनाने के लिए। अब इसमें डाल देंगे 2 बड़े चम्मच तेल। हम ये रेस्टोरेंट स्टाइल बना रहे हैं इसलिए इसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेल यूज़ किया है हमने। और इसमें डाल देंगे पिसा हुआ मसाला। हमने जो प्याज का और जो काजू का पेस्ट तैयार किया था ये वो मसाला है और इसे थोड़ा सा भून लेंगे, लगभग 1 मिनट के करीब हम इसे भून लेंगे।
इस वक्त भी मैंने मीडियम फ्लेम पे ही रखा है, और इसे पहले ही हमने भून लिया था इसलिए बहुत ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। एक से आधे मिनट तक इसे अच्छे से भूनने के बाद में इसमें डाल देंगे हम अदरक लहसुन का पेस्ट। और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं इसमें साइड से ऑयल अलग होना शुरू हो चुका है। यही फ़ायदा होता है कि हम पहले जो मसाले भून लेते हैं तो इसे बाद में ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और अब इसमें डाल देंगे ड्राई मसाले। तो हमने डाल दिया धनिया और हल्दी पाउडर, कश्मीरी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से इसमें रंग बहुत अच्छा आएगा। और डाल देंगे जीरा पाउडर, आप जीरा पाउडर घर में भी तैयार किया हुआ डाल सकते हैं। और ये है नमक, और इन सभी मसालों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जिस वक्त हम इसमें टोमेटो प्यूरी का यूज़ करते हैं, टोमेटो प्यूरी बनाते हैं, तो टोमेटो को पहले हमने बॉईल कर लिया है और उसके बाद में इसे पीस लिया। और पीसते वक्त में मैंने इसमें करीब आधे चम्मच से भी कम, एक चौथाई चम्मच के करीब मैंने इसमें डाल दी थी कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ताकि इसमें और अच्छे से रंग निखर के आता है ग्रेवी का। तो हमने इसे अच्छे से मिक्स कर लिया है। और अब इसमें डाल देंगे कसूरी मेथी। जब मसाले में तेल ऊपर आना शुरू हो जाता है उसके बाद में इसमें कसूरी मेथी ऐड करेंगे। तो कसूरी मेथी को थोड़ा सा हाथ में रगड़ लिया है। और कसूरी मेथी को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब भी आप मसाले भुने मीडियम फ्लेम पे ही भुने, ताकि उसे पकने में भी अच्छे से मदद मिलती है। और अब दही डाल देंगे। दही को डालने से पहले हमें इसे अच्छे से फेंट लेना है, क्योंकि अब बाद में अगर हम इसमें डाल देते हैं दही तो दही फट जाता है। इसलिए इसे जब भी आप यूज़ करें तो फेंट कर ही यूज़ करना है। और इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे हम। जैसे ही अच्छे से मिक्स हो जाएगा इसमें डाल देंगे पानी। तो ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें डाल देंगे हम आधा ग्लास के करीब पानी। तो ग्रेवी अच्छे से बॉईल होना शुरू हो चुकी है। इसे लगभग हम 1 से 2 मिनट और अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो ढक लेते हैं इसे पहले, और इसे 1 से 2 मिनट तक अच्छे से बॉईल होने देंगे, ताकि ग्रेवी अच्छे से मिक्स हो जाए और मसालों का फ्लेवर बहुत अच्छे से इसमें उतर आएगा। और अब इसमें डाल देंगे फ्राई किए हुए आलू, और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। साथ में डाल देंगे गरम मसाला। तो गरम मसाला भी इसमें डाल दिया है और अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब इसे लगभग हम 5 मिनट और अच्छे से बॉईल होने देंगे। तो मीडियम फ्लेम कर दी है और मीडियम फ्लेम पे ही इसे अच्छे से बॉईल होने देंगे, ताकि ग्रेवी अच्छे से थिक हो जाए। तो आप देख सकते हैं ग्रेवी अच्छे से थिक हो चुकी है, और आलू में भी उसका अच्छे से जो ग्रेवी है वो गई है। तो ऊपर से हमने कटा हुआ धनिया डाल दिया है, और एक बार इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। तो बनके रेडी है हमारे दम आलू। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और भी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।